एक दो तीन चार पांच और जमीन से निकलते आग के लावे। ये तस्वीरें जैसलमेर बॉर्डर की हैं। ये कोई हमले की तस्वीर नहीं, लेकिन भारत को आंख दिखाने वालों को ये तस्वीर देख लेना बहुत जरूरी है। थार के रेगिस्तान में फिलहाल धूल नहीं बल्कि भारतीय सेना के शौर्य की आंधियां चल रही हैं। मैदान पर भारत की सेना के जवान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं आसमान में वायुसेना नए प्रशिक्षण कर अपनी ताकत बढ़ा रही है। भारतीय वायुसेना ने अपनी मारक क्षमता को मजबूत करने और एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाने के साथ इसमें और बेहतरी के लिए जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मीडियम रेंज वाली इजरायली मिसाइल का परीक्षण किया। पलभर में दुश्मन का नामोनिशान मिटाने वाली सरफेस टू एयर पाइथन और डर्बी एक लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल है। इस स्पाइडर मिसाइल 15 किलोमीटर के अंदर 20 मीटर से 9000 मीटर तक की ऊंचाई पर दुश्मन के निशाने को पलभर में तबाह कर देती है। पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल है जिसका आविष्कार इजराइल ने किया है। वहीं डर्बी एक एक्टिव रडार है जो AAM के साथ होती है। डर्बी की वजह से स्पाइडर मिसाइल सिस्टम को फायर एंड फॉरगेट का विकल्प देती है। स्पाइडर के परीक्षण के दौरान इजरायली मिसाइल के उच्च अधिकारियों के साथ ही भारतीय वायुसेना के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। स्पाइडर पहले से ही भारतीय वायुसेना के पास है। स्पाइडर के अपग्रेड वर्जन का ट्रायल पोखरण रेंज में किया गया। स्पाइडर किसी भी एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, सर्विलांस प्लेन या फिर हर उस ड्रोन का पता लगा सकता है जो भारत के एयर स्पेस का उल्लंघन करेगा। पहले पुलवामा, फिर 370। इसी साल पाकिस्तान ने एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बार भारत को दबी जुबान से ही सही युद्ध की धमकियां देता रहा है। ऐसे में भारत पर हर पल खतरा बढ़ता जा रहा है। अब जब खतरा है तो खतरे का इलाज भी जरूरी है, जिसको भारतीय सेना शब्दों से ना देकर ऐसे देती है जिसे देखकर दुश्मन भी कांप जाते हैं।